नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ के 71वें और 72वें वार्षिक सामान्य अधिवेश का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस दौरान उन्होंने दूध उत्पादकों को सौगात दी। मंत्री ने दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की घोषणा की, साथ ही बेहतर काम करने वाले दूध उत्पादकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ से जुड़े करीब 600 से अधिक उत्पादकों ने शिरकत की। इस अवसर पर दूध उत्पादकों को सरकार और दूध संघ की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। देखिए, आज नैनीताल लालकुआ दुग्ध संघ का 71वां 72वां निकाय अधिवेशन जो है आज आहूत किया गया है, उसी में मैं आमंत्रित थी और उसी कार्यक्रम के दौरान मैं समझती हूँ कि शायद प्रदेश का पहला ऐसा डेयरी का या दुग्ध संघ का अपने परिसर में पशुओं के संदर्भ में, उनकी चिकित्सा के संदर्भ में उनके लैब के स्थापना की चिंता की गई और आज लैब का जो है यहाँ पर आज उद्घाटन भी किया गया है। निश्चित रूप से अब पशुओं के रोग के संदर्भ में यहाँ पर परीक्षण किया जा सकेगा और हमारे जो दुग्ध सहकारी समितियों के हमारे सदस्यगण हैं उनके पशुओं के संदर्भ में यदि किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता रहेगी वो इस लैब के माध्यम से उसकी पूर्ति की जाएगी। देखिए, जो AGM की बैठक में स्वाभाविक रूप से दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के अपने विषय हो सकते हैं और उन विषयों को उन्होंने रखा है और मेरी ओर से ये निर्देश भी है कि जो उनके विषय हो, चाहे सीमेन को लेकर विषय हो, चाहे ट्रीटमेंट को लेकर विषय हो या प्रोत्साहन राशि को लेकर विषय हो, उसको गंभीरतापूर्वक नोट करें और जो तात्कालिक प्रभाव से इसका निस्तारण किया जा सकता हो उसका मौके पर ही निस्तारण करें और जो विभागीय स्तर पर हो तो उसे विभागीय स्तर पर भेजा जाए। मैं उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जो उसका निस्तारण हो सकता है वो किया। पूर्व CM हरीश रावत के सबसे करीबी राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा के सोमेश्वर विधानसभा सीट के दावेदारी पर कैबिनेट मंत्री विधायक रेखा आर्य ने दोनों को नसीहत दी है। कैबिनेट आर्य ने कहा, सोमेश्वर से कोई भी आ जाए, जनता जनार्दन उसके साथ है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ने आए, मैं समझती हूँ कि सबका स्वागत है और बाकी तो क्योंकि जनता ही इसका फैसला करती है, जनता समय आने पर बताएगी। ठीक है ना, हरीश रावत जी चाहे वो दलित कार्ड खेले हों, चाहे वो दूसरा कार्ड खेले हों, उनका खेला जो है वो उन्होंने वहाँ पे भी देख लिया है कि वो उसके बाद में इस ये घोषणा करने के बाद में वो चले गए केदारनाथ दर्शन करने। वहाँ पर वो क्या भगवान केदार से प्रार्थना करते हैं, आप सब लोगों के संज्ञान में है, वो अपने लिए मुख्यमंत्री बनने की बात कहते हैं और जनता के मध्य में दलित मुख्यमंत्री बनने की बनाने की बात कहते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग गए हैं वो अंधेरे में ना रहे, इसको देखें, क्योंकि जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत दलित मुख्यमंत्रियों का कार्ड खेल रहे हैं लेकिन बाबा केदारनाथ में जाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की आशीर्वाद मांगते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हरीश रावत केवल दलित कार्ड के नाम पर छलावा कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।